हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। तो उसके लिए ले लिया हमने एक खीरा जिसे अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, कद्दूकस कर दिया है, और फिर लिया मैंने हरी मिर्च जो मैंने काट के डाल चुका है, और फिर अब करेंगे इसमें दही को मिक्स। तो मैंने दही मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप, और इसमें देख सकते हैं हरी मिर्च जो मैंने काट के डाली हुई है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। वो एक्चुअली मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से डाल रही हूँ, तो वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों को, दही, खीरा और प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। तो अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाले हैं, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। फिर मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, मतलब आधा चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी है तो लाल मिर्च थोड़ा कलर के लिए ही डालेंगे। तो गाइस, अब हमने ये ले लिया, हमारी लैंग्वेज में से बोलते हैं डाड़ू और शायद हिंदी में इसे बोलते हैं करछी। तो इसे रखना है गैस के ऊपर और गैस ऑन कर दी मैंने, और गैस को कम ही रखना है फ्लेम। फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो हम इसमें सरसों का तेल इसलिए डालेंगे क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है, रिफाइंड से अच्छा टेस्ट हमें सरसों में लगता है। तो तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। तो गाइस, अब थोड़ा इसको ब्राउन होने देंगे हल्का सा, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं गैस ऑफ़ कर दूंगी। गैस ऑफ करने के बाद इसे हम लगाएंगे तड़का उस रायते में जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये हमारा तड़का है, और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के फ्रिज में रख देंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा रायता तैयार हो चुका है। इंजॉय के लिए इसे दाल चावल के साथ।